नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। स्कूल में जमा बारिश का पानी, सड़क पर बैठ पड़ रहे बच्चे। अमरपुर में पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से गांव में बारिश का पानी जमा हो रहा है। अमरपुर प्रखंड क्षेत्र के बिशनपुर पंचायत के मझगाए गाँव में भी जगह जगह बारिश का पानी जम गया है। सबसे बुरी स्थिति गाँव के प्राथमिक विद्यालय की है, जहां स्कूल परिसर तथा कमरों तक में पानी जमा हो गया है। इसकी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से स्कूल में पानी बढ़ता जा रहा है। गांव के वार्ड सदस्य मनोज कुमार सिंह ने बताया कि स्कूल में पानी जम जाने से बच्चे स्कूल के बाहर सड़क पर नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हो गए हैं। शिक्षक भी सड़क पर ही कुर्सी लगाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल में 3 शिक्षक पदस्थापित हैं, जिसमें प्रधानाचार्य मनोज पासवान, सहायक शिक्षक संजीत कुमार तथा मनोज पासवान शामिल हैं। प्रधानाचार्य ने बताया कि स्कूल में 70 बच्चे नामांकित हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल के भवन की स्थिति जर्जर हो चुकी है, भवन की छत की चट्टान भी गिरती रहती है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्रामीण सहयोग से वर्ष 1950 में स्कूल की स्थापना की गई। कुछ वर्षों बाद स्कूल भवन का निर्माण कराया गया, लेकिन निर्माण के बाद कभी भवन की मरम्मत नहीं हुई। वर्ष 16 से ही स्कूल भवन की मरम्मती के लिए विभागीय अधिकारियों से आग्रह किया गया, लेकिन आज तक भवन मरम्मती नहीं हो सकी। अब बारिश का पानी जमने से भवन की और ज्यादा जर्जर होने की संभावना बन गई है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि जल्द ही स्कूल भवन की मरम्मति नहीं हुई तो किसी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शिव नारायण ठाकुर ने कहा कि स्कूल परिसर में पानी जमा होने तथा भवन की जर्जर स्थिति की जानकारी प्रधानाध्यापक द्वारा दी गई है। उन्हें फिलहाल गाँव में सुरक्षित जगह पर बच्चों को पढ़ाने का निर्देश दिया है, साथ ही समस्या से विभाग के अधिकारियों को अवगत भी करा दिया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए लाइव 24 न्यूज़ बिहार के साथ।